पुरी से एक और, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ताल ठोक रहे हैं, वहीं मौजूदा सांसद और बीजू जनता दल के प्रत्याशी पिनाकी मिश्र के अलावा कांग्रेस के सत्यप्रकाश नायक भी अखाड़े में उतर गए हैं। ये तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या कहती है वहां की जनता, देखिए रीमा पराशर की चुनावी रिपोर्ट। उड़ीसा वो राज्य है जो इस बार चुनाव में कुछ पार्टियों की किस्मत बदल सकता है, उलट भी सकता है और पलट भी सकता है। जी हाँ, इस वक्त हम उसी उड़ीसा में खड़े हैं और ये जगह जिसके बारे में जितना कहें उतना कम है, पुरी जगन्नाथ धाम, और सीधे हमारे पीछे वो भव्य मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों की संख्या में लोग सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। पुण्य धरती मानी जाती है और इसीलिए नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम आदमी, सभी यहाँ पर आकर माथा टिकाते हैं। तो आज पुरी से ही हम शुरू करते हैं अपनी ये रिपोर्ट और बताते हैं कि आखिर क्या सोच रही है यहाँ की जनता, इस बार उड़ीसा की किस्मत बदलेगी या फिर की पार्टियों की किस्मत बदलेगी। क्या लग रहा है इस बार उड़ीसा में किस्मत बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल बदलेगी। इस बार मोदी जी को, मोदी जी का ही समर्थन, सब उड़ीसा के बहुत सारे लोग जो है वो मोदी जी का समर्थन करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस बार मोदी जी मेजोरिटी के साथ में दोबारा फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये सारे उड़ीसावासी, जगन्नाथ मंदिर, सारा यहाँ का जो लोग है सब यही चाहते हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन हो या फिर कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो, दोनों में से कहां पर क्या हो? कोई परिवर्तन नहीं होगा। राज्य में नवीन पटनायक रहेंगे और केंद्र में मोदी रहेंगे। तो नवीन पटनायक की आंधी चल रही है या फिर मोदी की आंधी चल रही है? नवीन पटनायक का राज चलेगा। चलेगा राज आज? ऐसा क्या किया है उन्होंने कि 19 साल बाद फिर जनता चाहती है कि वो वापस आए? और बीजू पटनायक का ब्रांड है, बीजू पटनायक जिस तरह रहता है उसी का ब्रांड चलता है। बीजू पटनायक का ब्रांड है और इसी ब्रांड पे सब कुछ चलता है। आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि बीजू पटनायक का ब्रांड है नवीन पटनायक के साथ, इसलिए उन्हीं को वापसी आनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी लग रहा है जो मोदी आने वाला है, जो यहाँ पर सिचुएशन है, हम लोग इसको बदलना चाहते हैं। जो यंग पीढ़ी है हमारे यहाँ पर, इसको चेंज करना चाहती है। यहाँ पर सब, यहाँ पर मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। दिल्ली में भी, गाजियाबाद में मोदी जी हैं, हम गाजियाबाद से हैं। तो लगता है कि बीजेपी ने बिल्कुल आएंगे बहुत काम हमारे यहाँ, तो समझ लो गाजियाबाद में इतना किया है कि रोड का किसी भी एक स्टैंडर्ड इतना एरिया हो गया बहुत। मोदी जी को जरूर आना चाहिए दोबारा। दोबारा क्या, मैं तो समझता हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा आए मोदी जी ही आए। क्यों? क्योंकि वो इतना कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो। लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई नोटबंदी से, अभी तक तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, कुछ 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 बेरोजगारी दूर हो रही है बेरोजगारी, और हर चीज में मतलब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े आपको लग रहे हैं कि झूठे हैं जो कांग्रेस दे रही है? बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, एकदम झूठे हैं। तो मोदी आने चाहिए ऐसा इनका मानना है, आप क्या मानते हैं? मोदी जरूर आएंगे। और नवीन पटनायक? नवीन पटनायक 19 साल राज करने के बाद अभी कुछ चेंज होना चाहिए, नया कुछ आना चाहिए, परिवर्तन चाहते हैं। किसी नई पार्टी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए? जो पार्टी देश का विकास के लिए काम करेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा काम करेंगे एरिया के लिए, तो वो ऐसे लोग देखकर एक बार लोग वोट देंगे और मोदी जी को आएंगे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है आपको, लेकिन कोई आप वजह नहीं बता पा रहे कि क्यों आना चाहिए? नहीं, उनका जो काम है विकास का काम है आगे अच्छा से कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी आएंगे, इसलिए सब लोग पुरी में भी नया परिवर्तन होगा एमपी में। आप परिवर्तन चाहते हैं या आपको लगता है कि जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है उसी को वापस आना चाहिए? आना तो चाहिए, एक बार और मौका मिलना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को या नवीन पटनायक? एक्चुअली लोकसभा में तो मोदी जी को ही चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक मोदी जी रहे तो हमारे इंडिया के लिए बेटर रहेगा। वाकई में प्रधान सेवक वो है, उनका तो मजाक बन रहा है कि चौकीदार चोर है। देखिए, मजाक बनाने वाले तो बनाते ही रहते हैं, उसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको अपना अपना बात रखने की फ्रीडम है। आप युवा है, आपके लिए रोजगार मुद्दा है या नहीं मुद्दा है? यहाँ पे रोजगार मुद्दा तो है पूरे इंडिया में, लेकिन 80% युवा को रोजगार की जरूरत है इंडिया में। रोजगार ये सरकार दे पा रही है आपको लगता है? देखिए, गवर्नमेंट वैकेंसी प्राइवेट सेक्शन में तो रोजगार आया है, हम लोगों तो प्राइवेट एम्प्लॉई ही है,
बट ये है कि स्कोप आ रहा है धीरे धीरे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, अब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि वो तो 22 लाख से भी ज्यादा इस तरह के पद जो है उन्हें देगी, उनके वादे में दम लग रहा है? देखिए, 60 साल से क्या कर रही थी कांग्रेस, हम लोग जनता को लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो अभी आया ना अध्यक्ष बन के और उनकी बात में दम है, वो ऐसा कह रहे हैं। राहुल गांधी का तो बात का भरोसा हम लोग को तो नहीं। एक सेकंड, उनके बात में तो दम नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनका बात ही वो पहले से ही सरकार थे ना, वो उनके मतलब जिस टाइम में वो लोग थे उस टाइम में वो लोग कुछ भी नहीं किए थे। अभी मोदी आए हैं ना, मोदी जो मोदी बोल रहे हैं वो मोदी करके दिखा रहे हैं ना। क्या करके दिखा रहे हैं? बहुत कुछ, अभी सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, अभी मतलब हमारा जो आर्मी के लिए बहुत कुछ मतलब डेवलप किए हैं, तो फिर मोदी को ही आने चाहिए। आपको लगता है आर्मी को डेवलप करना, सर्जिकल स्ट्राइक आम आदमी से जुड़ता है ये मुद्दा कहीं पे, या आम आदमी के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है ये मुद्दे? सब होने से भी पहले देश का सुरक्षा अच्छा है, देश को जो सुरक्षा करता है वो सबसे अच्छा काम करता है। देश तो सुरक्षा नहीं होगा तो क्या करेगा, वो तो पहले शत्रु आ जाएगा तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, अभी वो तो शत्रु को निकालता है ना। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 72,000 रुपए देंगे। अरे 72,000 रुपए पहले कहाँ थे, अभी तो अभी कह रहे हम आएंगे तो हम देंगे, और पहले कहाँ थे, पहले तो नहीं थे ना। अभी जो मोदी जो कर रहा है अभी सही कर रहा है, मोदी जो कर रहा है सही एकदम बिल्कुल कर रहा है, 100% कर रहा है, उनका कोई विकल्प हिंदुस्तान में है नहीं। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग उनको निरपेक्ष चुनाव करके हम लोग प्रधानमंत्री उनको बना दे। आपको लगता है कि बाकी सबको हटा के सीधे मोदी को चुन लिया? एकदम, हम लोग जब तक हम लोग देख रहे हैं तब से हम लोग यही लग रहा है कि मोदी जी ही अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य में किसकी सरकार हो, आपको लगता है उड़ीसा में 19 साल से एक पार्टी शासन चलाती आ रही है नवीन पटनायक की सरकार, क्या उसको वापस आना चाहिए या फिर क्या आपको लगता है यहाँ पर भी बदलाव चले? यहाँ तो मैं रहता नहीं हूँ, मैं तो पश्चिम बंगाल का रहने वाला। अच्छा, तो आप दीदी और दादा में से दीदी को नहीं चुन रहे? नहीं, दीदी को हम नहीं चुन रहे हैं। दीदी वहाँ पर काम कर रही है लेकिन वो आम जनता उनसे खुश नहीं है। आम जनता खुश नहीं है? दीदी तो कह रही है कि ये तो ऐसा सीएम है कि तो लंदन बना रही है शहर को, वहाँ पर कोई रोजगार या कोई मतलब औद्योगिक नगर ये सब कोई काम नहीं हो रहा। वो तो अपने आप को कहती है कि मैं गरीबों की मसीहा। कहती है, विपक्ष वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, राहुल गांधी भी तो 72,000 रुपया दे रहे हैं, इसके पहले कहाँ है, अमेठी में जाकर देखिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया अमेठी में। आप बंगाल में रहते हैं लेकिन आपको अमेठी की खबर है? थोड़ा बहुत हम लोग न्यूज मीडिया से जुड़े हैं तो हम लोग जो आप बोलिएगा जो दिखाइएगा वो पब्लिक देखेगी। तो जागरूक है ये, इनको पता है कि न्यूज मीडिया में क्या चल रहा है। फिर से मैं पलट के आपके पास आती हूँ, मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में, ऐसा लोग कहे? लोग जो कहे बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी का कद का कोई अभी आदमी नहीं है, राहुल जी उसके बराबर नहीं है, मायावती उसके बराबर नहीं है। मोदी के सामने कौन है? मोदी के सामने भी कोई नहीं मैडम, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और कम से कम ये जाने की 20-30 वर्ष तक कोई होगा भी नहीं, किस वर्ष तक कोई नहीं। मोदी जैसा ना हम बोल रहे थे पूरा इंडिया में कोई है ही नहीं, एक तो सन्यासी जीवन जीते हैं और बाकी माने देश के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार। कैसे पता आपको? ऐसा ही लगता है हम लोग को, उनका न्यूज जब सुनते आपको लगता है देशभक्त? हाँ, देशभक्त। देशभक्त हो ही नहीं सकता मोदी जैसा, ये मतलब ये बात कहाँ से आती है कि इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता? राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम किया कि देशभक्ति नहीं? कोई नहीं बोलता मैडम, आप राहुल गांधी बारे कोई बोलता नहीं देशभक्त है। क्यों नहीं है देशभक्त? है ही नहीं, नॉलेज भी नहीं है। नहीं, राहुल गांधी के पास उतना नॉलेज भी नहीं है। लेकिन देशभक्त होने के लिए कौन सी नॉलेज चाहिए? देशभक्त होने के लिए नॉलेज की बात है, वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। जो बोलता है वो जो बोलता है बाद में वही फॉल्ट निकलता है, उसमें ही फॉल्ट निकलता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना जो वादा कर रहा हूँ उसको मैं निभाऊंगा, 72,000 रुपए देने की बात हो रही है, युवाओं को नौकरियां देने की बात हो रही है, तमाम उन्होंने अपने वादे जो किए हैं मैनिफेस्टो में उसको लेकर काफी वाहवाही ले रहे हैं। नेहरू जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, इंदिरा जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, सोनिया जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, राहुल जी आप बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, तो 7 साल से क्या किया, गरीबी कैसे हटा? लेकिन मोदी का क्या गरीबी हटा पाए? मोदी 5 साल में बहुत कुछ काम किया है, बहुत काम किया है, इसलिए पूरा वर्ल्ड में मोदी जी का इतना नाम है। सारा विपक्ष एकजुट है मोदी के, वो अच्छा काम कर रहा है ना मैडम, सब चीटिंग बाज है ना, जब चोर है इसलिए सब एकजुट हो गया। महाघोटाले जो हो रहा है महाघोट, उसमें सब तो चोर है, ये लालू जी सबके एलिगेशन है, राहुल जी वो तो जमानत पे घूम रहा है ना, मायावती जी सब तो। अच्छा,
कुछ लोग कहते हैं राजनेता सब एक जैसे ही होते हैं, जब चुनाव आता है तो सबके दर दर आते हैं और जब चुनाव चला जाता है तो पता ही नहीं लगता है कि आखिर वोटर कहाँ गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो वोट आने के पर आता है कुछ दिन का आगे, इसका बाद कुछ दिन का। आप बंगाल से? हाँ वहीं से है, वो उड़ीसा से ही है। नवीन पटनायक के 5 अच्छे काम बताइए जो उन्होंने 19 साल में किए। 19 साल में किए है बहुत कुछ, अच्छा काम किया। क्या किया? हरिश्चंद्र योजना किए है, बिल्कुल अच्छा है। आज जो बिजु स्वास्थ्य कल्याण किया है, बिल्कुल अच्छा है। केंद्र में मोदी चाहिए या राज्य में मोदी चाहिए? केंद्र में मोदी, के राज्य में क्या करेगा? मोदी राज्य में कुछ नहीं करेगा। बीजेपी नहीं करेगा, ओडिशा में कोई बात नहीं, ये बात है। मोदी नवीन पटनायक आज दूसरा कोई नहीं है इंडिया में, भारत में कोना कोना जाओ, नवीन का परसेंट का 117 80 75 17 में लग जाएगा, लेकिन 2-4 उम्मीदी को लेगा जो स्वाधीन है, लेने से क्या होगा वो न चाहेंगे, लेकिन मोदी नवीन आएंगे, मोदी आएंगे। अगर देश बचाना है तो मोदी जी को दोबारा लाना है। अगर मोदी को अगर मोदी तो ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, इनके नारों से आप ये ना समझे कि ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये तमाम वो लोग हैं जो जगन्नाथ धाम पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और हमने इनसे जब बात करने की कोशिश की तो देखिए नारे किस तरह से लग रहे हैं।